नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने फोन की इनकमिंग कॉल को कैसे बंद कर सकते हैं। दोस्तों आपकी फोन की इनकमिंग कॉल बंद होने के साथ आपकी इंटरनेट चलती रहेगी, उस इंटरनेट पे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगर आप पबजी प्लेयर हैं या फिर आप कोई गेम के शौकीन हैं तो आपको गेम खेलते वक्त कॉल आ जाती होगी, तो आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। तो दोस्तों इस सेटिंग को अप्लाई करने के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको अपने फोन के डायलर पैड ओपन करना होगा। यहाँ पे मैं अपने फोन के डायलर पैड को ओपन कर रहा हूँ और दोस्तों डायलर पैड ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पे। मेरा फोन EMI का, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। अगर आपका फोन EMI का ना होके कोई और कंपनी का है तो ये ऑप्शन यहाँ पे रहता है। आप देख लीजिएगा ये ऑप्शन कहाँ पे, और इसके बाद आप इस तीन लाइन पे क्लिक कीजिएगा। तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सेटिंग्स। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग्स पे। और यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा वॉइस, यहाँ पे आप वॉइस पे क्लिक कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा ऑलवेज फॉरवर्डेड पे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे अगर आपके घर में कोई स्विच ऑफ नंबर है, बंद नंबर है, तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। बाय द वे अगर आपके पास कोई भी नंबर नहीं है, स्विच ऑफ नंबर नहीं है, तो यहाँ पे आप अपने फोन की नंबर डालिएगा, पीछे के लास्ट के दो डिजिट आप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे शुरू से 8 डिजिट डालने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा टर्न ऑन पे। अब दोस्तों यहाँ पे आपकी जो कॉल है ये 8 नंबर पे फॉरवर्ड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपके नंबर पे कोई भी व्यक्ति कॉल करता है तो उसको ये सुनाई देगा कि डायल किया गया नंबर गलत है, कृपया कुछ देर बाद संपर्क करें। दोस्तों ऐसा सेटिंग कर देने से अब आपके फोन पे कोई भी इनकमिंग कॉल नहीं आएंगी। अगर आप इसे डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना होगा ऑलवेज फॉरवर्डेड पे और यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा टर्न ऑफ पे। तो यहाँ से अब आपकी ये जो कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग है ये बंद हो जाती है, टर्न ऑफ हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी और आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।